दुल्हन के जोड़े में सज धज कर आई, साथ फेरे लिए, साथ वचन लिए और साथ जन्म तक साथ रहने की कसम भी खाई। लेकिन चंद घंटों बाद ही रात के अंधेरे में वो रफू चक्कर हो गई। वो खाली हाथ नहीं गई बल्कि सारी ज्वेलरी और 50,000 नकदी साथ ले गई। पीड़ित परिवार उसकी तलाश कर रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। लुटेरी दुल्हन से हो जाइए सावधान। लुटेरी दुल्हन आपको लगा सकती है चूना। आपके शादी के अरमानों पर फेर सकती है पानी। हरिद्वार में लूट के बाद फरार हो गई लुटेरी दुल्हन। पीड़ित परिवार लगा रहा थानों के चक्कर। खाकी के द्वार पर फरियाद लगाते इन चेहरों को गौर से देखिए। इन आंखों में पढ़िए टूटे अरमानों का पूरा किस्सा। महसूस करिए इस शख्स की तड़प, दर्द जो दिया है एक लुटेरी दुल्हन ने शादी के नाम पर। यहाँ पर का चंडीगढ़ पंचकुला से आए हैं और यहाँ पर हम हरिद्वार में मैरिज के लिए आए थे। तो दुल्हन हम रात में जितना गैप था हम रात में सोते हुए वहाँ से हमारा कैश पर्स में से लेके और वहाँ से होटल से फरार। चंडीगढ़ के कालका का रहने वाला है ये परिवार। हरिद्वार विवाह रचाने आया था उस लड़की से जिसे पसंद किया था इस शख्स की मौसेरी बहन ने। दोनों परिवारों के सामने हिंदू रीति रिवाज के साथ 18 दिसंबर को दोनों ने शादी रचाई थी और 18 दिसंबर की ही रात दुल्हन सोने चांदी के जेवरात, 50,000 नकदी, दूल्हे का पर्स लेकर फरार हो गई। ज्वेलरी जो गले में सेट था, कानों में कपड़े थे, हाथों में चांदी के और मतलब जस्तीवन के और पजेबे और चुटकियाँ वगैरह, ये ज्वेलरी सारी हमारी थी। कितना लगभग? 2 लाख का, 2.5 लाख का हमारा जेवर था और 50,000। पीड़ित दूल्हे की बहन के मुताबिक लड़का और लड़की दोनों की ये दूसरी शादी थी। दोनों की मुलाकात रुड़की की रहने वाली अंजू ने कराई थी। अंजू पीड़ित की मौसेरी बहन है। लुटेरी दुल्हन भी रुड़की में एक किराए के मकान में रहती थी। एक परिवार जिसे शादी के नाम पर ठगा गया है, सात फेरों के जाल में फंसाकर ठगा गया है, वो दर दर भटक रहा है। ना तो खाकी और ना ही रिश्तेदार अब उसकी कोई मदद कर रहे हैं और वजह है वो लुटेरी दुल्हन जो अब गायब हो गई है। रुड़की से राम गोपाल, जनतंत्र टीवी।